धर्म का तात्पर्य क्या है। आएगा वो दिन भारत फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। वास्तविकता में तुलसी के द्वारा भी क्या हम संसार की गौणिकता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वेद निराकार का भी प्रतिपादन करते हैं और साकार का भी प्रतिपादन करते हैं। वस्तु सुख का साधन नहीं हो सकती। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप देख रहे हैं तुलसी टीवी, सनातन का आचमन, और मैं हूँ रसराज मृदुल। और मेरे साथ में हैं हमारे भारतवर्ष के महान विभूतियाँ, महान संत, जिन संतों के द्वारा हम सभी मार्गदर्शन लेंगे। और उन्हीं संतों के चरणों में आइए, हम सभी कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम करते हैं। महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। और मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे मध्य में विराजमान हैं परम पूज्य श्री सच्चिदानंद द्विवेदी जी महाराज, और साथ में बगल में विराजमान हैं परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज, और साथ में विराजमान हैं परम पूज्य श्री दामोदर शास्त्री जी, और यहाँ हमारे विराजमान हैं आचार्य श्री राजीव कृष्ण किंकर जी, और साथ में हमारे प्यारे भाई शास्त्री जी आचार्य श्री योगेश प्रभाकर जी। तो आइए, इन वैदिक सनातन धर्म की यात्रा करने वाले सभी संत महापुरुषों से हम मार्गदर्शन लेंगे और जानें कि क्या है सनातन। तो मैं सबसे पहले परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा। महाराज श्री, आप समस्त दर्शकों का मार्गदर्शन करें और उन्हें बताएं कि क्या है सनातन। सनातन का तात्पर्य है कि हम, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार उन संतों की, उन महात्माओं की बनाई गई परंपरा के अनुसार अपने जीवन का अनुसरण करें। किस प्रकार से हम सोते हैं, किस प्रकार से उठते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से बैठते हैं, ये सारे कर्म जो है हमारे निहित है। हिंदुस्तान में एक अपने आप में ऐसी परम्परा है जो हमारे ऋषियों की परंपरा है, उन दिव्य महापुरुषों की परंपरा है, जिस परंपरा का हम अनुसरण करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और ये भी मानते हैं कि हम इस संसार में किस कारण से आए हैं, क्यों आए हैं, और हमारा आने का उद्देश्य भी क्या है। ये सब बातें हमारे को सनातन धर्म ही बताता है। धर्म की जब बात करते हैं, धर्म क्या है, धर्म का तात्पर्य क्या है, सबसे पहली बात तो यह कि हम धैर्यता धारण करें। जो हमारे आचार्य परंपराओं ने जो शास्त्र बनाए हैं, उन बातों को हम हमारे जीवन में उतार करके उनके अनुसार उस कर्म को करते रहें, यही सनातन धर्म है। तो महाराज श्री, इस सनातन धर्म में इसकी विशेषताएं क्या हैं, और सनातन धर्म को सब धर्मों का प्राकट्यकर्ता माना जाता है। जैसे एक वृक्ष जो अपने आप में संपूर्ण है, जो सारे संसार को अपनी छत्र छाया में बहुत अच्छी छांव देता है, सुख देता है, शांति देता है, तो ये सनातन धर्म जो है, जिसकी छत्र छाया में हम सभी पल बढ़ रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों श्रेष्ठ है हमारा ये सनातन धर्म। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप में ही ये श्रेष्ठ इसलिए कि हम सब इसका अनुसरण कर रहे हैं। जितने भी धर्म हैं, जितनी भी संप्रदाय बनी हुई है, वह सब इसी सनातन धर्म से निकल के बनी हुई है। तो तात्पर्य ये हो गया कि सनातन धर्म सर्वोपरि श्रेष्ठ क्यों है। इसका यही कारण है कि अनादिकाल से सृष्टि का निर्माण हुआ, उस निर्माण से पूर्व से ये सारा कर्म निहित है परमात्मा के माध्यम से। और इसलिए मूल जो होता है ना, मूल वो एक छोटा सा बीज होता है। जैसे एक बीज पृथ्वी में डालते हैं और एक बीज से और एक वृक्ष बनता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनने के बाद में फिर उसमें फल निकलते हैं, वो फल फिर निकल करके करोड़ों के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, करोड़ों बन जाते हैं और जा जाके अपनी अपनी जगह पूरे विश्व में स्थापित हो जाते हैं, फिर वो पुष्पान्वित पल्लवान्वित हो जाते हैं। तो ये ही कारण है कि अनादिकाल से और जितने भी धर्म आए, कुछ समय के लिए आए और चले गए, विलुप्त हो गए, लेकिन सनातन धर्म जिसे
वेद भी कहा करते हैं, ये अनादिकाल का यही है कि यही जनक है। परमात्मा महाविष्णु के शरीर से निकली हुई ये सब रोमों से निकली हुई ये परंपराएं हैं, जिसका हमारे ऋषियों के माध्यम से रिसर्च करके ये वो बनाया गया है जिसके माध्यम से हम जीवन को सुख और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। और जितने भी धर्म हैं वो एक क्षणिक है, कुछ समय के लिए जाते हैं, उसके पश्चात उनकी जिज्ञासाएँ शांत नहीं होती है, तृप्त नहीं होती है, अशांत बने रहते हैं। लेकिन जब हमारे इस धर्म में आते हैं, इस धर्म में आने के पश्चात उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ संबंध है, हमारे यहाँ रिश्ते हैं, यहाँ परंपराएं हैं, यहाँ भाई है, बंधु है, पति है, पत्नी है, और परमात्मा से इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का जो क्रम है वो यथावत हमारे इसी मूल सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में विद्यमान है, जिस कारण से ये सत्य है। जो सत्य होगा उसके ऊपर कभी कभी हो सकता है कि परिस्थितिवश या कोई कारणवश धूल मिट्टी जम जाए, लेकिन जब वो अंधड़ आता है परमात्मा के स्वरूप का, सत्य का अंधड़ जब वो जागृत हो जाता है तो सारे जितनी भी धूल मिट्टी है वो सब समाप्त हो जाती है, वो कण सारे कण इधर उधर बिखर जाते हैं और सत्य स्वरूप परमात्मा चैतन्य स्वरूप जो है वह दिव्यमान हो जाता है। यही मूल बात है इसकी। बहुत अच्छा, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री से हमने जाना कि सनातन धर्म, हमारा ये सनातन धर्म वो धर्म है जिस धर्म में स्वयं हम परमात्मा को सरल रूप से प्रत्यक्ष, जिसे निर्गुण निराकार निरीह कहते हैं, वो सगुण साकार रूप में जिसके द्वारा पाया जा सके, जिसके द्वारा प्रकट किया जा सके, ये सनातन धर्म की विशेषता है। और आइए हमारे बीच में अन्य जो महापुरुष विद्यमान हैं, परम पूज्य श्री सच्चिदानंद द्विवेदी जी, आपके भी विचार हम सभी दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं, और आप भी कृपा करके मार्गदर्शन करें कि क्या है सनातन और क्या है इस सनातन की विशेषता। देखो, जब हम पैदा हुए थे तब हमारा शरीर कैसा था, जब हम शिशु थे माँ की गोद में रहते थे उस समय हमारा स्वरूप कैसा था, जब हम कुछ बड़े हुए तब हमारे उस स्वरूप में परिवर्तन आना शुरू हुआ, फिर हम युवा हुए, फिर हम वृद्ध हुए, अब हम अपने बचपन की फोटो देखते हैं तो खुद हम ही नहीं पहचान पाते कि ये हम हैं, लेकिन ऐसी अनुभूति होती है कि सो हम, मैं वही हूँ। अगर आत्मा में परिवर्तन होता तो मैं वही हूँ ये अनुभूति किसी को नहीं होती। जो मैं जागृत अवस्था में था वही स्वप्न अवस्था में हूँ, जो मैं स्वप्न अवस्था में था वही मैं सुषुप्ति अवस्था में हूँ, जो मैं सुषुप्ति अवस्था में था वही मैं जागृत अवस्था में हूँ। तो ये जो तीनों अवस्थाएं सर्व देश में, सर्व काल में, सर्वावस्था में हम अपने आप को अपरिवर्तित महसूस करते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं है जो अपने आप में परिवर्तन महसूस करता हो कि मैं ऐसा था, जब मैं वैसा था और अब ऐसा हूँ, तो वो जो परिवर्तन महसूस होता है वो देह विशिष्ट का परिवर्तन महसूस होता है, क्योंकि जो अपना स्वरूप है अगर उस स्वरूप में परिवर्तन हो तो महाराज प्रत्यभिज्ञा ही नहीं हो पाएगी। प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है पहचान। पहचान तभी हो सकती है जब भिन्न देश में और भिन्न परिस्थितियों में विद्यमान दो पदार्थ एक, तो ही प्रत्यभिज्ञा हो सकती है, तो ही पहचान हो सकती है। अगर अलग अलग हो तो वो पहचान ही नहीं हो पाएगी। तो जीव मात्र को अपने स्वरूप में एकता का अनुभव होता है, अपरिवर्तनशीलता का अनुभव होता है, इसलिए जीव का जो स्वरूप है, जो आत्मस्वरूप है, वही सनातन। दुनिया में और कोई भी पदार्थ सनातन नहीं है, यहां तक कि धर्म भी सनातन नहीं। क्यों? जब आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं सुषुप्ति अवस्था में, उस समय धर्म कहां रह जाता है? उस समय तो कुछ भी नहीं रहता, आप केवल अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। वो आपका स्वरूप कैसा है? सत है। वो आपका स्वरूप कैसा है? चित है। वो आपका स्वरूप कैसा है? आनंद है। इसीलिए जब आप उठते हैं तो आप अपने उस आनंद स्वरूप की का स्मरण करते हैं,
सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। मैं ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ भी नहीं पता पड़ा। अरे कुछ भी नहीं पता पड़ा का क्या मतलब है? तुम सुख से सोया, जो सुख है उसका तो अनुभव कर रहा था। तो जो अनुभव कर रहा था वो कौन था? वो तू ही था। तो सुख से अनुभव करने वाला तो उस समय विद्यमान था। इसलिए आत्मा का जो अपना स्वरूप है वही स्वरूप सनातन है। और धर्म को सनातन क्यों कहा जाता है जी? क्योंकि जो धर्म, जो क्रिया, जो भी पद्धति आत्मा के उस अपरिवर्तनशील अखंड और एकत्व विशिष्ट जो उस स्वरूप का बोध जिस किसी भी पद्धति से होता हो वो धर्म है। चाहे वो नाक दबाने से होता हो, चाहे वो भगवान के नाम का कीर्तन करने से होता हो, चाहे वो भागवत कथा श्रवण करने से होता हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा करने से होता हो, चाहे वो गंगा स्नान करने से होता हो, जिस किसी क्रिया से आत्मा के उस सनातन स्वरूप, मैं तो वो सनातन आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये इंद्रियां नहीं हूँ, मैं जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, मैं ये नहीं हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ, मैं तो चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम, मैं तो वो शिव स्वरूप हूँ। जिस किसी क्रिया से अपने इस स्वरूप का बोध होता है, सनातन स्वरूप का बोध होता है, उस क्रिया को उस सनातन धर्म कहते हैं। धर्म स्वरूप से सनातन नहीं है, क्योंकि आप तो धर्म करते हैं तो धर्म तो क्रिया रूप होता है, वो तो नष्ट हो जाता है। कर्म तो अनश्वर होता है, किया और जिस समय आप उसको कर रहे होते हैं वो उसी समय विद्यमान होता है, और जब उसका करना बंद हो जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। वो सनातन कैसे हो सकता है? धर्म तो नष्ट हो जाता है। मीमांसक भी इसी बात को मानता है। मीमांसक कहता है जो यागादिक धर्म है, आपने यज्ञ का अनुष्ठान किया तो यज्ञ तो नष्ट हो गया, तो उसके बाद एक अदृष्ट पैदा होता है। मीमांसकों के मत में एक अदृष्ट नाम का पदार्थ है। आप धर्म करें तो और अधर्म करें तो वो जो क्रिया है वो नष्ट हो जाती है, उसके बाद एक अदृष्ट पैदा होता है। वो अदृष्ट जब उसका समय आता है तब आपको फल देता है उसका, और जब वो फल मिल जाता है तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कोई भी धर्म स्वरूप से सनातन नहीं है। हम लोग जो हमारा स्वरूप है ना, सत्चित आनंद, हम लोग प्रायः व्यवहार में प्रयोग करते हैं सत्कर्म। श्रीमद् भागवत कथा को भी सत्कर्म कहा गया, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। आप सोचिए जरा, भागवत कथा हुई वो तो खत्म हो गई, तो वो सत कैसे हो सकती है? अरे भाई, सत तो वो होता है जो हमेशा रहे, न जायते म्रियते वा कदाचित, न पैदा हुआ न मरता है, नायम भूत्वा भविता वा न भूया। ऐसा नहीं, उसके लिए भूतकाल का प्रयोग भी नहीं कर सकते, उसके लिए भविष्यत काल का भी प्रयोग नहीं कर सकते। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। ये है सनातन पदार्थ। तो भागवत कथा तो इस दृष्टि से सनातन है नहीं, तो उसके लिए सत कर्म क्यों प्रयोग किया गया? अरे भाई, जो सत पदार्थ है उस सत पदार्थ की प्राप्ति कराता है, इसलिए वो सत कर्म है। वो कर्म तो कोई भी हो, स्वरूप से सत नहीं होता है। इसलिए सनातन शब्द का जो अर्थ है वो आत्मा ही है, और आत्मा व्यतिरिक्त जो भी कुछ है वो सनातन नहीं है। धर्म वो धर्म है जो हमारे उस सनातन स्वरूप का हमको बोध करा दे। कि जब आप कर्मकांड करते हैं, संध्या वंदन करेंगे, बलिवैश्वदेव करेंगे, ब्रह्म यज्ञ वेद का अभ्यास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, वेद में जिन कर्मों के अनुष्ठान का विधान किया गया है, वेद प्रणहितो धर्मः, वेद में जिनका विधान किया गया है जब उनका अनुष्ठान करेंगे, और वेद में जिन कर्मों का निषेध किया गया है उनसे आप बचेंगे, तो ऐसा करने से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में आपको अपने स्वरूप का बोध है। इसलिए ये सारे कर्म, ये सारे धर्म सनातन कहे जाते हैं। वास्तविकता ये है कि ये स्वरूप से सनातन नहीं है,
स्वरूप से सनातन, तो हमारा जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मस्वरूप वही सनातन है। अब देखो ये बात आपको दुनिया का कोई धर्म नहीं बताता, ये केवल अपना जो भारतीय वैदिक धर्म है वेद बताता है। वेद के अनुसारी जो स्मृतियाँ हैं, जो भी धर्मशास्त्र हैं, जो भी पुराण हैं, वो सब के सब इसी बात को बताते हैं। बाकी विश्व में जितने प्रसिद्ध पंथ हैं, चाहे वो मुसलमानी इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी नाम ले लो, अगर वो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं तो वो इस बात को नहीं बताते हैं। क्योंकि जो इस्लाम है वो तो कहता है कि मैंने तेरे को मिट्टी के लोसड़े से पैदा किया है, और हमारे यहाँ जो भगवान हैं वो कहते हैं ईश्वर अंश जीव ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, जो जीव है वो मेरा ही अंश है, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ तो जीव भी सच्चिदानंद रूप है। तो इसलिए सनातन शब्द के इस स्वरूप, जब तक ये स्वरूप का बोध सबको नहीं हो जाता है तब तक दुनिया में सुख शांति नहीं है। तो महाराज जी जैसे 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 स्वरूपम बोध करने के लिए ही शायद हो सकता है कि हमारे ऋषियों ने वेद में से कर्मकांड को निकाला, कर्मकांड को निकाल करके वो सारे संस्कार निहित किए कि जिससे हम उन नियमों के अनुसार रह करके उस सनातन स्वरूप में विद्यमान रह सकें, कहीं इधर उधर ना भटकें। इस प्रकृति के द्वारा संसार में जो प्रकृति यानी जो माया बनाई गई है उस माया में हम कहीं लिप्त न हो जाए, हम जो मैं हूँ वो मैं इस माया को ही न समझ बैठे कि यही सब कुछ है और इसी के लिए मेरे को सब कुछ करना है और इसी के लिए करता रहूँ मैं, और अच्छा बुरा ये वो सब सुख शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए मैं ये सब कुछ करता रहूँ। शायद हो सकता है कि इससे बचने के लिए हमें इस कर्मकांड का आश्रय या कर्मकांड को हमारे जीवन में लेना चाहिए। भाई वैदिक कर्मकांड तो उसने जीवन को सारे को अपने अंदर समाविष्ट किया हुआ है। जब आप पैदा होते हैं मनुष्य जीवन को वैदिक कर्मकांड ने पहले चार भागों में बांटा है, पहले चार वर्णों में बांटा है। कुछ लोग ब्राह्मण हैं, कुछ लोग क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इन चार भागों में बांटा है। ये चारों ही को हमारा जो विराट पुरुष है, भगवान का स्वरूप विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप का ही अंग बताया गया है। ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य जद वैश्य पदभ्याग गुण शूद्र अजायत, ये चारों वर्ण मिल करके इन चारों वर्णों का अलग अलग उनके कर्तव्यों का विधान किया गया है। ब्राह्मण को ये कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को ये कर्म करना चाहिए, वैश्य को ये कर्म करना चाहिए, शूद्र को ये कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए छह कर्म बताए हैं, वेद का अध्ययन करे, अध्यापन कराए, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान ले, दान दे, ये ब्राह्मण के कर्म है। क्षत्रिय कर्म है समाज की रक्षा करना, वैश्य का कर्म है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि करे, गायों की रक्षा करे और व्यापार करे, और शूद्र का कर्म है सबकी सेवा करे। तो अब कर्मकांड तो बहुत विस्तृत है भाई, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने वैदिक तांत्र को मिश्र ऐसा कह करके तीन प्रकार का वैदिक तांत्रिक और मिश्र तीन प्रकार के कर्म बताए। तो वैदिक कर्म तो जन्म से ही, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, ये चार आश्रमों में जीवन को बांट दिया है। तो चारों आश्रमों में जो है जीवन बटा हुआ है। तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान है अपने गुरु के यहाँ। माने सबके लिए बहुत ही प्रमुख है, सबके लिए कर्मों का निश्चित विधान है, निश्चित विधान है। आप इस पद्धति से कर्म करेंगे तो ही आपको अपने सच्चिदानंद स्वरूप का बोध होगा। अगर इस पद्धति से हट करके करेंगे तो आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, और आप तो अपने आप को देह समझते रहेंगे और दूसरों को अपने से अलग समझते रहेंगे कि आप अलग हैं और हम अलग हैं। और जब आप हमसे अलग हैं तो हम क्यों ना आपको ठगें, हम क्यों ना आपको मारें, क्यों ना आपका वंचन करें। तो ये प्रवृत्ति जो पैदा होती है उस प्रवृत्ति के मूल में यही है कि आप अलग और हम अलग। तो जब तक हम धर्म का अनुष्ठान इस संकल्प के साथ नहीं करेंगे तब तक ये भावना हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। अच्छा जी, तो श्री दामोदर शास्त्री जी विराजमान हैं,
तो महेश आप जरा प्रकाश डालेंगे कि अगर व्यक्ति इस कर्म से दूर हो जाए, अगर कर्म से विहीन हो जाए, अगर अपने मार्ग से हट जाए, जैसे पूज्य महाराज जी ने अभी सबके कर्म का अलग अलग विधान निश्चित किया, ब्राह्मण का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, वैश्य का अलग कर्म है, तो इसी प्रकार से चारों वर्णों के लिए जो वर्ण व्यवस्था प्राचीन समय से हमारी स्मृतियों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार निर्धारित की गई, और जब से जन्म से मृत्यु तक जो कर्म हैं, अगर वो कर्म से संपन्न अगर कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो होने पर या न होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, आप इस बात पर जरा प्रकाश डालें और दर्शकों को बताएं। पूज्य आचार्य स्वरूप भैया जी ने वैदिक कर्मकांड का जो रूप स्वरूप हमें बताया, उसमें अगर हम शास्त्रों से में जो विहित और निषेध दो कर्म है, एक तो उसमें यह है निषेध, ये कर्म नहीं करने चाहिए, और एक उसमें यह है कि ये कर्म हमको करने चाहिए। तो शास्त्र के अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो समाज, देश, काल सारा के सारा मानव के अनुकूल चलता है, और जब शास्त्र के निषिद्ध कर्मों की तरफ हम बढ़ते हैं और शास्त्र के भेद कर्मों को नहीं करते हैं, तो ये आज जो आप प्रकृति में जो देख रहे हैं बदलाव, जगह जगह उल्कापात हो रहा है, भूकंप हो रहा है, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओले पड़ रहे हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध चलने से ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। धर्मशास्त्र इतना विस्तार है, जैसे भगवान अनंत हैं उसी तरह से भगवान का जो वेद स्वरूप है वो भी अनंत है, उसमें इतना बृहद लिया गया है कि एक छोटी सी चींटी का भी हमको उससे क्या व्यवहार करना चाहिए, वृक्षों के लता पताओं के साथ में हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, पशु पक्षियों के साथ में मानव का क्या व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आज की जो पद्धति है वो निषिद्ध कर्मों की तरफ ज़्यादा बढ़ रही, और उसी का दुष्परिणाम है कि हम ये सब जो देख रहे हैं ये हो रहा है। ये निषिद्ध कर्मों की तरफ जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, आज के जो नई युवा पीढ़ी है जो मार्ग भटक रही है, जो इस कर्म से केवल वैदिक कर्मकांड ही नहीं बल्कि अपने कर्म से भी जो भाग रही है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे देखिए कारण कई है। जी जी, एक कारण नहीं होता। जी जी, नहीं एक पतन के का है। जी जी, कालिदास ने अपने रघुवंशम में एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है। जी, राजा दिलीप संतान प्राप्ति के लिए वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी उनसे राज्य का कुशल क्षेम पूछते हैं कि सब कुशल से तो है। जी, एक बहुत बढ़िया श्लोक कहा वहाँ पर कालिदास ने। ये जो पुस्तकें लिखी गई हैं ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, इनसे हमारे कर्तव्य की शिक्षा मिलती है। जी, तो उसमें लिखा है पुरुषायुष जीविन्य, ये राजा दिलीप कह रहे हैं, पुरुषायुष जीविन्य निरातंकाः निरीतयः यन्मदीयाः प्रजाः तस्य हेतुस्त्वद् ब्रह्म वर्चसम्। कहते हैं कि गुरुजी मेरे राज्य में जितनी प्रजा है सब पुरुषायुष जीविनी है, माने एक पुरुष की जितनी आयु होती है वो अपनी पूरी आयु का उपभोग कर लेता है तो ही उसकी मृत्यु होती है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। देखो पुरुषायुष जीविन्यः, बोले जितने दिन वो जीता है उतने दिन क्या आजकल की तरह आतंक में जीता है कि किसी को कुछ पता नहीं कौन कब मर जाएगा? बोले ना, निरातंका, किसी भी प्रकार का कोई भी आतंक प्रजा में नहीं है कि अभी भूकंप आएगा मर जाएगा, मकान गिरेगा मर जाएगा, ना। निरातंका निरीतयः, छह प्रकार की ईतियाँ होती हैं, तो वो छह प्रकार की ईतियाँ, अतिवृष्टि ही, अनावृष्टि ही, शलभा, मूषका, शुका और प्रत्याशन्नाश्च राजानः षडेताः ईतयः स्मृताः। तो अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, तो ये भी ईतियाँ हैं, ये भी एक प्रजा को के ऊपर आपत्ति ले आती हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के दुख। कहते हैं कि ये सारे के सारे दुख हमारी प्रजा को लगते ही नहीं हैं। बोले क्यों? हेतुस्तद ब्रह्मवर्चसम,
आपका जो ब्रह्म वर्चस्व है, ब्रह्म तेज है, वही इसमें कारण है। अब ब्राह्मण के अंदर ब्रह्म वर्चस्व कब आएगा? जब वो अपने लिखा है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से बैठ जाओ और सहस्र परमाम जपे, सहस्र परमाम गायत्री का जप, अपने कर्म पर पूरा तब उसके अंदर वो ब्रह्म वर्चस्व आएगा। ऐसे ब्राह्मण जिस देश में पैदा होंगे उस देश में भूकंप नहीं आए, उस देश में किसी भी प्रकार का कोई आतंक नहीं आए। जिस देश में ऐसे ब्राह्मण पैदा ही नहीं होंगे तो उस देश में तो आतंकवादी पैदा होंगे ना। ये वैदिक कर्मकांड इसलिए महत्वपूर्ण है, वो केवल ठीक है अपने स्वरूप का बोध कराता है और परलोक में यह तो व्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म, परलोक में भी सुख देता है, लेकिन सबसे पहले यतः अभ्युदय, सबसे पहले उसका उद्देश्य है कि इस जीवन में इस लोक में हमको अभ्युदय प्राप्त हो, हम सबके सब सुखी हों, ये उसका उद्देश्य है। जी जी, पूज्य महाराज श्री दामोदर शास्त्री जी अभी हमारा मार्गदर्शन और साथ में श्री सच्चिदानंद द्विवेदी जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, तो बात हमारी अधूरी रह गई थी थोड़ी सी, तो वो बात पहले पूरी हो जाए तो क्या कारण और भी इसमें कई कारण हैं। आप देखो भैया ने जो कारण बताया ये तो इसमें प्रथम कारण है, प्रथम सबसे प्रथम कारण ये है कि जितने भी वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है हमारे शास्त्रों में, उस वर्णाश्रम धर्म में न तो ब्राह्मण ही आज पूरे खड़े उतर रहे हैं, न क्षत्रिय ही अपने धर्म पर है, ना वैश्य है ना शूद्र है। सबसे बड़ी मेन जो समस्या है, प्रथम समस्या तो यही है, दूसरे कई और अनेक कारण भी हैं। जैसे आज प्रकृति के साथ में दोहन किया जा रहा है, हमारे यहाँ प्रकृति का दोहन होता है, शोषण नहीं। जैसे गाय जब ब्याती है तो उसके बच्चे से दूध निकाला जाता है तो वो दोहन है, और गाय का बच्चा मर जाए किन्हीं कारणवश और उसको अकृत्रिम साधनों से इंजेक्शन दे करके जो दूध निकाला जाता है वो शोषण है। तो आज प्रकृति का शोषण हो रहा है, वृक्ष सूख जाए उसका उसको काटा जाए वो दोहन है, और हरे वृक्षों को काट करके तालाबों को आज भर करके और जो बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं ये प्रकृति के साथ में खेलवाड़ नहीं, ये उसका शोषण है। कारण अनेक हैं, समय भी बहुत कम है, ये एक ऐसा बृहद आपने प्रसंग छेड़ दिया कि ये तो महाराज कई दिनों का प्रसंग है, ये कोई घंटे दो घंटे का प्रसंग नहीं है, लेकिन जितना प्रकाश हमारे पूज्य भैया जी ने आज इसके ऊपर डाला वो वैदिक परंपरा के अनुसार और एकदम मानव के सुख के लिए, अगर मानव इसमें से 50% भी अगर इसके ऊपर चल जाए तो आज भी वो दिन दूर नहीं है कि जो भारत एक धर्म प्रधान था, यहाँ रामकृष्ण और ऐसे भगवान साक्षात जिन्होंने जन्म लिया, 24 अवतार हुए, एक से एक महापुरुषों का अवतार इस भूमि में हुआ, तो वो धर्म की स्थापना के लिए, जैसे भैया ने कहा कि धर्म का तो ह्रास हो जाता है, ये गीता में भी भगवान ने कहा या धर्म से, तो धर्म का ह्रास तो होता है लेकिन सनातन बोध जो है जिसके कारण सनातन धर्म कहा गया, सनातन पहले है धर्म बाद में है, तो सनातन वस्तु जो है, सनातन जिस धर्म के लिए अंकित करता है, सनातन माने भगवान, भगवान के द्वारा वेदों से जिस धर्म का जिस कर्म का निरूपण निकला उसे सनातन धर्म कहते हैं। भगवान के द्वारा निहित जो धर्म है उसका नाम है सनातन धर्म। तो सनातन शब्द का रूप है ईश्वर, और भगवान सनातन है, उसी सनातन भगवान से इस जीव का जन्म हुआ, क्योंकि एको हम, भगवान पहले अकेले थे, सृष्टि करने का विचार आया तो बहुश्याम, तो वही परमात्मा एक से अनेक बना, तो उसी अंश से हम लोग सब बने हैं, इसलिए हम भी सनातन हैं। ये केवल पद्धति हमारे भारतीय संस्कृति में ही है, बाकी के तो कहीं ये संस्कृति है नहीं। इसका बहुत अच्छा विस्तृत आपने वर्णन किया और हमारे दर्शकों को बताया, साथ में हमारे साथ पूज्य श्री राजीव कृष्ण किंकर जी और श्री पूज्य योगेश प्रभाकर जी विराजमान हैं, तो इनसे भी थोड़ा मार्गदर्शन हम लेंगे। और मैं जानना चाहूँगा कि हमारा ये जो सनातन धर्म है इसका मूल स्तंभ क्या है, इसका आधार क्या है जिसके ऊपर ये सारा टिका हुआ है, और जैसे अभी महाराज श्री ने बताया कि बहुत प्रकार की आपदाएं विपदाएं आ रही हैं क्योंकि इसका ह्रास हो रहा है, तो मैं आप दोनों से ही ये जानना चाहूँगा कैसे हम लोग पूर्ण रूपेण इसका पालन करके
अपने सुख की राह, जो हम संसार में पारलौकिक सुख और लौकिक सुख चाहते हैं, तो किस प्रकार से लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री सच्चिदानंद द्विवेदी जी, महामंडलेश्वर जी महाराज और हमारे शास्त्री जी के द्वारा आप लोग सनातन धर्म की बड़ी विशद और बड़ी गूढ़ चर्चा श्रवण कर रहे थे। प्रश्न उठता है, पहले तो प्रश्न ये उठता है कि समाज को ये पता होना चाहिए कि धर्म है क्या, फिर धर्म कितने प्रकार के हैं, धर्म का तात्पर्य क्या है, फिर उसको हम सनातन धर्म क्यों कहते हैं। ये तमाम तमाम अनेक प्रकार के प्रश्न अभी चर्चा सुनते सुनते उठ गए। ये जो धर्म शब्द है, हमारे वेदों में ये धर्म को जो है धींग धारणे धातु से बताया गया है, इसकी निष्पत्ति हुई है धींग धारणे धातु से। अर्थस्तु उणादि सूत्र है, उसके द्वारा मन प्रत्यय होकर के ये धर्म शब्द ये निष्पादित होता है। इसका मतलब है कि धारण करना, क्या धारण किया जाए। हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में ऐसी कर्म व्यवस्था, ऐसी आचार व्यवस्था निर्धारित की गई है जो प्रत्येक जीवात्मा के लिए धारण करने के योग्य है, वो धर्म के अंतर्गत आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई धर्म का पालन क्यों किया जाए। महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में लिखा, यतोभ्युदयनी श्रेयस सिद्धि धर्मः, यतोभ्युदयनी अभ्युदयनी, यानी अभ्युदय प्रदान करने वाला धर्म क्या है। धर्म का मतलब है कि इस लोक में अभ्युदय प्रदान करता है और श्रेयस सिद्धि, और इस लोक के बाद परलोक में क्या प्राप्त कराता है, जो श्रेय को प्राप्त कराता है, जो परम कल्याण की प्राप्ति करा देता है, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करा देता है अथवा मोक्ष की प्राप्ति करा देता है और इस लोक में अभ्युदय की प्राप्ति कराता है, उसको धर्म कहते हैं। अब धर्म को जो है सनातन क्यों कहा जाता है और धर्म ये निकला कहाँ से। श्रीमद् भागवत में षष्ठम स्कंद में विष्णुदूत और यमदूतों के संवाद में आया है, आप सभी लोग विज्ञ हैं जानते ही होंगे, उसमें बताया है कि वेदो प्रणहितो धर्म ये धर्मस्तद विपर्ययः। बोले धर्म क्या है, बोले जो वेद से निकला है, अर्थात वेद जो हमें करने की आज्ञा देता है, यानी जिसको विधि बोला गया है, जो वेद हमको विहित कर्मों के करने का आदेश देता है वो तो धर्म के अंतर्गत आते हैं। हधर्मो यद विपर्ययः, और जिन कर्मों को वेद निषेध करता है कि ये कर्म नहीं करने चाहिए, वो सब अधर्म के अंतर्गत आते हैं। भाई फिर प्रश्न उठता है कि मैं वेद को क्यों माने, वेद क्या है, हो सकता है यहाँ किसी कवि ने किसी लेखक ने लिख लिए हों। हिंदू लोग कह रहे हैं कि हमारे वो अपौरुषेय हैं वेद। तो श्रीमद् भागवत कहती है कि वेदा नारायण साक्षात, वेद कैसे हैं कि साक्षात नारायण का स्वरूप हैं, यानी नारायण में और वेद में कोई अंतर नहीं है, भगवान श्रीहरि नारायण का ही वांग्मय स्वरूप वेद हैं। इसलिए वेद जो निर्धारित करते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो वो तो धर्म हो गया। सनातन क्यों है, अभी हमारे महाराज जी बहुत अच्छा निवेदन कर रहे थे कि जीव भूता सनातना, वो परमात्मा जब सनातन है और उसी का अंश है ये आत्मा, तो आत्मा भी सनातन हुई और परमात्मा का ही स्वरूप है वेद। इसलिए ये वेद जो है और वैदिक धर्म जो है वो आज किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। इसलिए जब परमात्मा हमारा सनातन है, जब हमारे वेद सनातन हैं, तो हमारा धर्म जो है वो भी सनातन है, उसमें सनातन शब्द जुड़ गया। हम अपने धर्म को न तो पुरातन कह सकते हैं और न नूतन कह सकते हैं। अगर हम अपने धर्म को पुरातन कहते हैं तो भी प्रश्न उठता है कि भाई ये बहुत पुराना हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, हो सकता है इसमें से बहुत सी चीज़ें नष्ट हो गई हों। कोई वस्तु बहुत पुरानी होती है
तो स्वाभाविक है कि भाई उसमें कुछ कोई चीज़ की कमी हो गई हो, जीर्ण शीर्ण हो गया हो, तो जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ हमारा धर्म। तो हम अपने धर्म को पुरातन भी नहीं कहते हैं और हम अपने धर्म को नूतन भी नहीं कहते हैं। अगर हम नूतन कहें तो संसार में जितने भी धर्म हैं महाराज, आज जो एक पंथ के रूप में मैं उनको धर्म तो नहीं मानता हूँ, एक पंथ है, कोई 1400 वर्ष जैसे इस्लाम धर्म है 1400 वर्ष पहले अभी प्रतिपादित हुआ है मोहम्मद साहब के द्वारा, ईसाई धर्म है अभी 2100 वर्ष पहले जो है प्रतिपादित हुआ है, ये तमाम जो हैं ये पंथ हैं। और हमारे ऋषि मुनि और हमारे वेद शास्त्र ये कहते हैं कि धर्म क्या है, धर्म वो है कि जो हमारी जो हमारा आत्म कल्याण करे, जो हमारा आत्म कल्याण करे, जिसका संबंध अध्यात्म से हो, यानी जिसका संबंध जो है वो अध्यात्म से है और इसकी जिसकी जड़ में परमात्मा है, अध्यात्म से संबंध है, जो अध्यात्म को प्रतिपादित करता है और जिसकी जड़ है परमात्मा, उसको हम धर्म कहते हैं। दुनिया में जितने भी धर्म व्यापक हैं वो, अभी आप जाओ चर्च में कोई भी जाता है या मस्जिद में कोई भी जाता है, वहाँ जा कर के बस कोई आधार नहीं है, कोई उसका विधान नहीं है, अपना प्रार्थना करके, हालांकि प्रार्थना भी एक पूजा पद्धति में आती है, पूजा पद्धति में आती है प्रार्थना भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में पूजा कितने प्रकार की बताई गई है, हमारे शास्त्रों में जो पूजा है वो 5 प्रकार की बताई गई है महाराज। पहला क्या है, अभिगमन करना, ये पूजा की पहली पद्धति है अभिगमन। दूसरी पद्धति है उपादान। तीसरी पद्धति है योग। चौथी पद्धति है स्वाध्याय। और 5वीं पद्धति है इज्ज्या। ये 5 पद्धतियां हमारे शास्त्रों में और पुराणों में, पद्म पुराण इत्यादि में बताया गया है। अब प्रश्न उठता है कि अभिगमन, अब देखिए कितना विधिवत हमारे सनातन धर्म में पूजा का विधान बताया गया कि अभिगमन करना, उपादान करना। अभिगमन क्या है, हमारा हमारे जो इष्ट देव हैं, हमारे यहाँ अवतारवाद को माना जाता है, हमारा धर्म इसलिए परिपुष्ट है और इसलिए हमारा धर्म सबसे अधिक श्रेयस्कर है क्योंकि हमारा कोई केवल निराकार को मानता है, लेकिन हमारा धर्म, हमारे वेद निराकार का भी प्रतिपादन करते हैं और साकार का भी प्रतिपादन करते हैं। और जब साकार है तो हम उसकी पूजा भी करेंगे। और पूजा करने का फिर विधान क्या है, तो क्रमशः बताया गया है कि पहला विधान क्या है भाई, अभिगमन करना, जहाँ हमारे इष्ट देव का मंदिर है, मूर्ति है, उसको हम वहाँ झाड़ते हैं, बुहारते हैं, लीपते हैं, सफाई करते हैं, निर्माल्य को हटाते हैं, इसको कहते हैं अभिगमन करना। उपादान क्या है भाई, उनके लिए चंदन पुष्पादि जो वस्तुएँ हम एकत्रित करते हैं, इसको उपादान बोलते हैं। अब आता है योग, ये तो क्रिया हो गई। कोई कहे कि भाई ये तो आप शारीरिक क्रिया की बात करते हो, तो हमारा धर्म शारीरिक क्रिया ही नहीं केवल बता रहा है, हमारा धर्म जो है वो मतलब जो आंतरिक क्रिया है, जो अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। योग का मतलब है कि अपने इष्ट देव के आत्मस्वरूप के रूप में दर्शन करना, अथवा अपनी आत्मा को ही इष्ट देव मानना, अथवा इष्ट देव को ही अपनी आत्मा मानना, और इस तरह से अपना आत्मचिंतन करने के लिए एकाग्र होकर के बैठ जाना, ये योग के अंतर्गत आता है महाराज। अब आता है स्वाध्याय। ये 5ों के जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं जी, ये हमारे सनातन धर्म की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जी। और साथ में जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि इसमें वो सरल सहज मार्ग कौन सा है जिस मार्ग पर चल के, क्योंकि आज के जितने भी हमारे युवा पीढ़ी हैं और युवा वर्ग हैं और साथ साथ में तमाम जो लोग हैं वो सब के सब आध्यात्मिकता से जो गूढ़ रहस्य सभी विद्वानों ने प्रकट किया, ये इसको समझ पाना सरल नहीं है। बहुत गूढ़ रहस्य की सभी बातें हैं, लेकिन साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा सहज और सरल उपाय है आज के समय में हर युवा चाहता है, मैं भगवान को तो चाहता हूँ लेकिन भगवान के साथ साथ में भगवान से भी चाहता हूँ और कुछ और भी चाहता हूँ, वो संसार की भी कामना करता है, तो और किस प्रकार से अपने सनातन धर्म का पालन करते हुए
वो कौन सा सहज सरल मार्ग है जिसके द्वारा लौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति करी जा सकती है। हाँ भैया, हमारे रसराज जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि सबसे सरल ऐसा कौन सा मार्ग है धर्म के अंतर्गत जिसको हर कोई कर सकता है। शास्त्र कहता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषामन समाचरेत। ऐसा कोई भी कार्य जो मुझे कष्ट देता है, जो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य मुझे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषामन समाचरेत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि सबसे सरल, भाई वैसे तो बहुत विस्तृत वर्णन है धर्म का, लेकिन सबसे सरल एक पंक्ति में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम परोपकार, दूसरे के कितने काम हम आ सकते हैं, दूसरों का कितना मैं सहयोग कर सकता हूँ, दूसरों को हम कितना सुख पहुँचा सकता हूँ, ये जो है परहित में आता है। दूसरी बात आपने जो कही कि जो कामना की बात, वैसे तो हमारा जो सनातन धर्म है वो कामना का निषेध करता है। वास्तविकता तो ये है। अगर आप शास्त्रीय विधि के अनुसार इसकी व्याख्या करवाना चाहेंगे तो हमारे शास्त्रों में एक जगह नहीं, हजारों जगह पर कामना का निषेध किया गया है और कामनाओं से दूर रहने के लिए कहा गया है। और जो जो कामना लेकर के आया भगवान के दर्शन के बाद उसकी भी कामना समाप्त हुई। ध्रुव जी गए, राज सिंहासन की कामना थी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ध्रुव सगलाणी जप्यौ हरिनाऊ, सकाम भाव से भगवान का भजन किया, लेकिन अंत में कामना जो है दूर हो गई। विभीषण चला लंकापुरी से, राम ने रावण ने लात मार दी, तो वहां से जब चला राम की शरण में, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन जब सामने आया प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। अब भगवान के सामने आकर के वो जो है बह गई, वो कामना समाप्त हो गई, क्योंकि भगवान जैसे अग्नि के समक्ष पहुंचने पर ठंडक जो है अपने आप चली जाती है, जैसे प्रज्वलित अग्नि अंधकार को दूर कर देती है और शीत को दूर कर देती है, ऐसे ही भगवान का भजन करना या भगवत प्राप्ति करना, उसका ये फल ही है कि कामना रह ही नहीं जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म कई प्रकार के हो गए। अब जैसे वर्णाश्रम वर्ण धर्म हो गए, आश्रम धर्म हो गए, ब्रह्मचर्य के धर्म अलग हैं, गृहस्थ के धर्म अलग हैं, वानप्रस्थ के धर्म अलग हैं, सन्यासी के धर्म अलग हैं, ब्राह्मण के धर्म अलग हैं, क्षत्रिय के धर्म अलग हैं, वैश्य के धर्म अलग हैं और चतुर्थ वर्ण के धर्म अलग हैं। हाँ, और एक बात रसराज जी भैया मैं बताना चाहूँगा कि हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में एक जगह पर, क्या कई जगह पर आया है कि अब धर्म भी नीचा रह जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन आया हमारे शास्त्रों में कि जहाँ पे धर्म में भी भेद हो गया, एक धर्म है तो दूसरा एक परम धर्म भी है। एक जो है परम धर्म है, परम धर्म के लिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। बोले फिर परम धर्म क्या है? बोले ये तो हमारे उसमें आया है तैतरीय उपनिषद में कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम बद धर्मम चर, ये तैतरीय उपनिषद में आया, ये तो सब धर्म हैं। गोकर्णोपाख्यान में भी कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अब ये लौकिक धर्म हो गए। जब हम परम धर्म का आश्रय ले लेते हैं तब हमें लौकिक धर्मों को छोड़ने की बात आती है, फिर हमें लौकिक धर्मों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये परम धर्म है, सबसे सरल साधन है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रिय रवा बुद्ध्यात्मना वानु शतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हम जो भी कर्म करें, सबसे बड़ा धर्म और सबसे सरल साधन है धर्म के पालन का कि हम चाहे तपस्या करें, चाहे जप करें, चाहे भोजन करें, चाहे विश्राम करें, और लक्ष्य केवल क्या हो, एक कि ये सब परमात्मा की आज्ञा से और परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, और जो भी हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ ये कि पाप है कि पुण्य है, जो भी है वो मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, बस वो आपका कर्म जो है वो धर्म बन गया, वो कर्म जो है परम धर्म बन गया। इसी के साथ, क्योंकि समयाभाव है, वैसे ये ऐसी चर्चा है कि जिसपे कई घंटे बोलने वाली चर्चा है, लेकिन फिर भी
संक्षेप में जितना हो सकता है उतना मैंने निवेदन किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी ने श्री धाम वृंदावन में हमारे तुलसी मंदिर में विराजमान जगत प्रसिद्ध परम पूज्य संतों के शुभ वचनों को श्रवण किया और उनके द्वारा मार्गदर्शन लिया। इसी प्रकार से धर्म की चर्चा के साथ, इसी प्रकार से जन जागरण की सेवा के साथ तुलसी चैनल पुनः आपके सेवा में उपस्थित होगा। तब तक आप देखते रहिए तुलसी टीवी सनातन का आचमन। धर्म का तात्पर्य क्या है? आएगा वो दिन भारत फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। वास्तविकता में तुलसी के द्वारा भी क्या हम संसार की गौणिकता को प्राप्त कर सकते हैं? हमारे वेद निराकार का भी प्रतिपादन करते हैं और साकार का भी प्रतिपादन करते हैं। वस्तु सुख का साधन नहीं हो सकती।